क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं, कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक को, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे पीसेस, उसी को जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ओके, बुरादा जैसा, जिंक का बुरादा, लकड़ी का जैसे बुरादा होता है ना, ऐसा जिंक का बुरादा है मान लो, ठीक है। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं रिएक्शन किसके साथ, जिंक ग्रेनुल सॉलिड फॉर्म में होंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। देखिए सब कुछ डाइल्यूटेड है यहाँ पर, ठीक है। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करा देगा, या हाइड्रोजन को H2SO4 में से क्या करा देगा, डिस्प्लेस करा देगा, और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। कैसे, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से आपको मिलेंगे H+ आयन, कितने, 2, और साथ में क्या मिलेगा, सल्फेट आयन एक, और जिंक खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसको लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके H बनाएगा पहले हाइड्रोजन एटम, फिर दूसरा H+ भी एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम, और दोनों हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखिए मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई डाउट है बताइए। तो ये रिएक्शन तो हो गई, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन देखिए जरा, सेकंड रिएक्शन है, क्या कराना है बताइए हमें, जिंक को रिएक्ट कराना है, जिंक ग्रेनुल्स को रिएक्ट कराना है किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये HCl भी कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब समझ रहे हो ना, एसिड को डाइल्यूट कैसे किया गया होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड लेके पानी में डाला गया होगा, ठीक है। चलो ये भी एक्वस है, तो बस यहाँ से भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, हमको पता है मेटल्स को जब हम एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है। कैसे बनेगा, ZN पे 2+ होता है, Cl पे माइनस, ZN Cl2 बन जाएगा, तो जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो थर्ड रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगा लीजिए इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक और क्वेश्चन इसमें हमें पूछा गया था लास्ट में, NaOH भी लेना था हमें डाइल्यूटेड, ठीक है, वो भी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं है। पहले नाइट्रिक एसिड के साथ करिए, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है, समझिए सब लोग, पहले नाइट्रिक HNO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और डाइल्यूट HNO3 का मतलब होता है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन होगा, कितना, 100 ml, तो 100 ml में से 20 ml तो एसिड होगा और 80 ml पानी होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो 80% पानी और 20% एसिड होगा। तो अब आप बताओ एसिड ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। तो याद रखिए जब 20% डाइल्यूटेड HNO3 होता है तो क्या हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, बनती होगी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है तुरंत, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड उस बनने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, क्या बना देता है, वाटर बना देता है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम आपको थ्योरी भी लिखवा देते हैं, और आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में क्या कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुन लीजिए, जिंक का टुकड़ा आप नाइट्रिक एसिड में डालोगे, ठीक, नाइट्रिक एसिड है तो एसिड ना, और जिंक क्या है, मेटल, मेटल को एसिड में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, मना नहीं कर रहे, निकलती होगी, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तुरंत ये नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना देता है, वाटर। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है, और इसको आपको याद करना है। इसमें ना NO2 गैस नहीं निकलती, इसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, N2O गैस निकलती है, क्या निकलती है, N2O गैस। तो ये थोड़ी सी देखिए कठिन रिएक्शन है, इसमें आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कठिन रिएक्शन भी, आपको याद करना पड़ेगा, बैलेंस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए जिंक को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, ठीक है, एक्वस, और ये कैसा है, डाइल्यूट, ठीक। अच्छा बनेगा क्या क्या बनेगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनता है, क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट। कैसे, देखिए जिंक पे 2+ और नाइट्रेट आयन NO3 पे क्या होता है, 1-, तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जिंक नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ हम लिख देते हैं जिंक नाइट्रेट का एक्वस, ये स्पेशल रिएक्शन है, इसकी बैलेंसिंग वगैरह सब याद करके जाइएगा, ठीक है। जिंक नाइट्रेट बना, और सुनिए हमने आपको बताया है क्या कि एसिड में मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस तुरंत ऑक्सीडाइज हो गई होगी किसके द्वारा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा, यही नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट्स, यही नाइट्रिक एसिड यहाँ कैसा काम कर रहा है, एसिड, यस,
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जैसे ही हाइड्रोजन बनती होगी उस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करवा देता है ये और वाटर बना देता है। तो ये देखिए वाटर बना लिक्विड के फॉर्म में, प्लस हमने आपको बताया था यहाँ गैस भी निकलेगी, ठीक है। वैसे तो नाइट्रेट जब आपको दिखता है कहीं पे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते थे, नोटू नहीं, यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, N2O गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? N2O, इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने? दो, इसलिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर N2O गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी? N2O गैस यहाँ पर निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना भी भाई बहुत ही खतरनाक काम है इसमें, इसको देखते हैं हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले किसको लेना शुरू करें हम? हाँ, यहाँ पर ये भी नहीं देखना है, मजे की बात सुनो, आप ये सोच रहे होगे कि नाइट्रेट आयन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लगा दें, उससे भी ये बैलेंस नहीं होगी, ये बड़ा स्पेशल है, ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बैलेंस होगा ये, यहाँ पर नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन सॉरी पहले जिंक चेक करो, जिंक एक है यहाँ भी, 1 है जिंक, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने? 2, और वहाँ पर 2+2 = 4 है, तो अगर आप यहाँ 4 लगा दोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, 4 × 3 = 12, चेक करो यहाँ ऑक्सीजन कितने? 1+1 = 2, और 2 × 3 = 6, 6+2 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये नहीं होगी, और ऑक्सीजन को अगर आपको 8 करना है तो बनने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 3 है, तो ऐसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम बैलेंस करते हैं, तो आप ना इसको लर्न कर लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये ना ये रिएक्शन आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ये स्टेप्स में होती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है, आपको आपको इसको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको इसमें, आपको जिंक लेने कितने? 4, और HNO3 लेने कितने? 10, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा, जिंक यहाँ पर कितने? 4, तो यहाँ भी जिंक कितने हो जाएंगे? 4, और जैसे ही आपने यहाँ 4 लगाया, ठीक, बाकी चीज़ें आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 10, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 10 करने के लिए आपको क्या लगाना होगा? आगे 5 लगाना होगा, ठीक है ना। अब शायद ये बैलेंस हो गई है, शायद ये बैलेंस हो गई, आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में चेक करते हैं, जिंक कितने बोलो? 4, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बोलो? 10, भाई 10 × 1 = 10, एक ही हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके नीचे 1 है ना, तो 10 × 1 = 10, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने? 10, और 10 × 3 = 30, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? ऑक्सीजन है आपके पास 30, ठीक है। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिंक कितने बताइए? 4, ठीक है। नाइट्रोजन कितने, ध्यान से चेक करिए, ये 2 यहाँ लगेगा नीचे, और 4 × 2 = 8, 8 यहाँ से, 2 वहाँ से, नाइट्रोजन कितने हो गए? 10, बैलेंस है नाइट्रोजन, वहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 है। अब हाइड्रोजन की बात करिए, तो हाइड्रोजन कितने? 5 × 2 = 10। अब किसकी बारी आएगी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात करिए, ध्यान से चेक करिए, 2 × 3 = कितना होता है? 6, और 4 × 6 = 24, तो 24 तो यहाँ से हो गया, प्लस 5 यहाँ से हो गया, और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 कितने हो गए टोटल? 30। तो ये स्पेशल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसको याद भी कर लीजिए, और इसको बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या होता है, जिंक को जब डाइल्यूट, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट मतलब 20% होगा वो ओनली, और बाकी बचा हुआ क्या होगा? पानी होगा। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डालते हैं हम, तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है उसको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, तो वाटर बनेगा, और इसमें NO2 गैस नहीं निकलेगी, इसमें N2O गैस निकलेगी, ठीक है। N2O गैस, और बैलेंस करने का तरीका, नाइट्रिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स और जिंक का 4 एटम, जिंक के 4 एटम लेके फिर राइट हैंड साइड तो आराम से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें थ्योरी क्या लिखनी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो थ्योरी लिखी है इसमें, रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज डिफरेंट, रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर एसिड्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर एसिड्स बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन गैस evolved and it oxidizes hydrogen gas evolved and it oxidizes hydrogen gas evolved and it oxidizes hydrogen gas evolved to H2O, मतलब ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर लिक्विड फॉर्म में। ओके, कर लीजिए इसको, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। चलिए इसका डी पार्ट लेते हैं, डी पार्ट मतलब हमको जिंक को रिएक्ट कराना है किसके साथ?
NaCl aqueous solution के साथ. NaCl aqueous मतलब नमक ले लो, पानी में डाल दो, ठीक है, नमक लो NaCl, अरे टेबल सॉल्ट, उसको पानी में डाल के सॉल्यूशन बना लो, वही क्या NaCl aqueous, उसमें जिंक के टुकड़े डालो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन. व्हाई नो रिएक्शन? क्योंकि सोडियम ऊपर आता है. हाँ, तो सोडियम ऊपर आता है, किससे ऊपर आता है सोडियम? हाँ, जिंक से. नो, हाँ सोडियम, ओके सॉरी, सोडियम जिंक से ऊपर आता है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, जिंक थोड़ी ना रिएक्टिव है, सही है. तो जिंक सोडियम को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं तो क्या बन जाता? ZnCl2 बन जाता, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो नो रिएक्शन. उसके बाद पार्ट ई, ठीक है, पार्ट ई में आपको जिंक को सॉलिड, जिंक सॉलिड लेना है और रिएक्ट कराना है किसके साथ? NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट कराना है. अब सुनो, ये एक स्पेशल रिएक्शन है और हमने इसको क्लास में पढ़ा है, सोडियम जिंकेट बनता है. क्या बनता है? यहाँ डिटेल में मैंने बताया अभी कि सोडियम जिंकेट कैसे बनता है, पर फिर अभी के लिए रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, तो सब लोग याद कर लीजिए, इसको डिटेल में देखना आप क्लास करिए जाके, ठीक है. जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, सोडियम जिंकेट बनेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? Na2ZnO2. ओके, क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Na2ZnO2. क्योंकि देखो, ये वाली रिएक्शन में कुछ नहीं करना था, है ना, और इस रिएक्शन में भी कुछ नहीं करना था, वो रिएक्टिविटी से देख के पता चल जाएगा. ये याद करनी है आपको और ये भी याद करनी है, ठीक है. तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, एक्वस सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, कलरलेस होता है ये, ठीक है. सोडियम जिंकेट नाम क्या है इसका? Na2ZnO2 का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट. ये आपको याद करना है. और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. अब इसको बैलेंस करते हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ सोडियम कितने? 2, तो यहाँ बस 2 लगा देंगे, चेक कर लीजिएगा, बैलेंस हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, जिंक 1, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ओके, कर लीजिए.